नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है DHP न्यूज में, जहां हम हिमाचल प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरें रोजाना आपको बताते हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में पर्यटकों के सैलाब के साथ बढ़ने लगा कोरोना, जाने डिटेल। हिमाचल में बुधवार शाम तक स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 172 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं एक कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। प्रदेश में बुधवार को 159 कोरोना संक्रमित लोग पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में कोरोना के 1338 एक्टिव केस हैं। हिमाचल में सबसे ज्यादा मामले चंबा जिला से सामने आए हैं, यहाँ 46 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। इसी तरह से कांगड़ा जिला में 33, मंडी में 28, सोलन में 20, शिमला में 15, हमीरपुर में 9, कुल्लू में 6, लाहौल स्पीति में 4, सिरमौर में 4 और ऊना जिले में 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कांगड़ा से 44, चंबा से 40, मंडी से 38, सोलन से 20, हमीरपुर से 9, शिमला से 8, कुल्लू से 5, बिलासपुर से 3, ऊना से 3, लाहौल स्पीति से 2 और किन्नौर जिला से 1 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में 13 जुलाई तक मौसम खराब, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में बुधवार को मौसम साफ रहा। चेतावनी के बावजूद बादल नहीं बरसने से अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऊना में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। 10 और 11 जुलाई को मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब शादी कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे ज्यादा लोग, आशा वर्करों का मानदेय बढ़ा, जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 की बंदिशों में कुछ और रियायतें देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में सभी सामाजिक, अकादमिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह सहित विवाह एवं अन्य समारोह में लोगों की उपस्थिति की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। अब इंडो या बंद जगहों में होने वाले समारोह में कुल क्षमता के 50% और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इससे पहले यह शर्त 150 लोगों की थी, जबकि खुले स्थान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मैदान की कुल क्षमता के 50% लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं को वर्तमान में दिए जा रहे अतिरिक्त मानदेय को 2000 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य की लगभग 7964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने कोविड-19 के कारण अपने माता व पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत लाने को अनुमति प्रदान की, ताकि उन्हें प्रति माह 1500 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। हिमाचल में 1297.23 करोड़ से लगेंगे 13 नए उद्योग, 1718 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश में 1297.23 करोड़ के निवेश से 13 नए उद्योग लगेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को एकल खिड़की प्राधिकरण की 17वीं बैठक हुई। 5 उद्योगों के विस्तार को भी स्वीकृति दी है। नए उद्योगों में 1718 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्राधिकरण ने जिन नए उद्योगों को स्वीकृति दी है उनमें तरल एम्प्योल, तरल वायल, ड्राई इंजेक्शन, मरम इत्यादि के उत्पादन के लिए उद्योग मैसर श्रीराम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 2 बुरानवाला ए बद्दी जिला सोलन में लगेगा। मोदी सरकार में अनुराग ठाकुर को प्रमोशन, प्रदेश से सबसे कम उम्र में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। अनुराग ठाकुर अब तक हिमाचल प्रदेश सबसे कम उम्र के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने हैं। महज 47 साल की उम्र में उन्होंने यह मुकाम हासिल कर अपना स्थान तो ऊंचा किया ही, देवभूमि का भी कद बढ़ाया है। यहाँ से अभी तक वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, आनंद शर्मा और जगत प्रकाश नड्डा ही कैबिनेट मंत्री रहे हैं। पूर्व में केवल पंडित सुखराम के पास ही केंद्रीय संचार राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार रहा है, जबकि अनुराग ठाकुर के अलावा वीरभद्र सिंह और विक्रम महाजन राज्य मंत्री रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्र प्रमोट, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेजों में होंगे दाखिले, 16 अगस्त से लगेंगे नियमित कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले फर्स्ट और सेकंड ईयर के करीब 96,000 विद्यार्थी प्रमोट होंगे। बुधवार को यह फैसला हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ। जुलाई के आखिरी सप्ताह से कॉलेजों में दाखिले शुरू होंगे। 16 अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा करवाने का भी निर्णय हुआ। सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को इन तीनों कक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने का काम सौंपा है। आगामी आदेशों तक
विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को बंद रखने का भी फैसला हुआ है। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, हालांकि यह तय नहीं हुआ है कि कॉलेजों में 16 अगस्त तक कक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी 2 से 13 अगस्त के बीच आयोजित करने की सिफारिश भेजने का निर्णय लिया गया। डीएलएड के लिए 18 जुलाई को प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2021-23 के लिए प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को लेगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2021-23 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट प्रदेश में स्थापित 121 परीक्षा केंद्रों पर 18 जुलाई को होगा। कुल 20,071 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। इनमें 18,226 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट से 14 जुलाई से डाउनलोड कर सकते हैं। सीएम जयराम बोले, सैलानों की भीड़ न लगने दें, अतिरिक्त फोर्स करें तैनात। गृह जिला मंडी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में सैलानों की बढ़ रही आमद के बीच कोविड नियमों की अनदेखी पर चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद सीएम ने कुल्लू, शिमला, मंडी और चंबा के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को ऐसे स्थान चिन्हित करने को कहा है जहां पर्यटकों की भीड़ लग रही है। इन स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर कोविड नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने के लिए भी कहा है। वे बुधवार को मंडी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यटक आए उनका स्वागत है, लेकिन निवेदन है कि कोविड नियमों की अनुपालना करें। पूर्व सीएम वीरभद्र के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य, अभी भी वेंटिलेटर पर दाखिल। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बुधवार को आईजीएमसी शिमला में ब्लड समेत अन्य टेस्ट करवाए गए। डॉक्टर के मुताबिक उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य है, हालांकि वे अभी भी वेंटिलेटर पर ही दाखिल हैं। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं। आपको बता दें कि सोमवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन इसके बाद से वह बेहोशी की हालत में चल रहे हैं। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि वह पहले से थोड़ा ठीक हैं। खुली बस में चाबी छोड़ जाने से चोरी हो गई थी बस, चालक परिचालक निलंबित, आरोपी 50,000 मुचलके पर रिहा। ज्वालामुखी बस अड्डे से परिवहन निगम के देहरा डिपो के HRTC बस चुरा कर ले जाने के मामले में नया मोड़ आया है। लापरवाही के चलते देहरा डिपो के RM के चालक और परिचालक को निलंबित कर दिया है। बस चंडीगढ़ ज्वालाजी रूट पर चलती है। रविवार रात को ही चंडीगढ़ से वापस आई थी। RM देहरा कुशल कुमार ने बताया कि चालक परिचालक को निलंबित कर दिया गया है। उनकी लापरवाही से बस चोरी होने का मामला सामने आया है। उन्होंने लापरवाही से बस खुली रखी थी, बस की चाबी भी बस में ही थी। इसी वजह से आरोपी निगम की बस को देर रात स्टार्ट कर शिमला की तरफ ले गया। आरोपी पीछे से ट्रक चालक है, उसे दारलाघाट में दानोघाट में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राकेश कुमार के खिलाफ ज्वालामुखी थाना में चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय ने 50,000 के मुचलके पर उसे रिहा कर दिया है। यदि आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।